जय श्री राम मित्रों आज इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की तिथि शुभ मुहूर्त पूजा विधि व्रत के नियम धार्मिक महत्व और साथ ही जानेंगे इस दिन करने वाले कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में हिंदू धर्म में तीज पर्व का विशेष महत्व है पंचांग के अनुसार साल में तीन तीज पड़ती है जिन्हें हरियाली तीज कजरी तीज और हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है हिन्दू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है और शिवजी और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती है इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा और योग बर के लिए व्रत रख सकती है इस बार पूर्णिमा तिथि एक दिन पहले शुरू हो जाएगी लेकिन उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज व्रत सितंबर को रखा जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 5 सितंबर को दोपहर बारह बजकर 21 मिनट से शुरू हो रही है जो 6 सितंबर को दोपहर तीन बजकर एक मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज छः सितंबर दो दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी इस बार का तीज व्रत शुक्रवार को है इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है भगवान शिव की पूजा है इसलिए हरितालिका तीज व्रत प्रदोष काल में शुभ माना जाता है इसलिए इसकी पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है इस दिन मिट्टी के गौरी शंकर बनाए जाते हैं जो लोग शुभ पूजा करते हैं वह शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें सुबह का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में छ बजकर दो मिनट से सुबह आठ बजकर तैंतीस मिनट तक है इसकी कुल अवधि दो घंटे इकतीस मिनट है पूजा से पहले सुहागिन स्त्रियाँ अच्छे से तैयार होती है बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाती है अच्छे से पूजा की जगह घुसा जाती है केले के पत्तों से मंडप बनाए जाते हैं गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित की जाती है और गंगा जल पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है इसके साथ ही गणेश जी भी होते हैं और उन्हें दुर्वा और जनेऊ चढ़ाते हैं शिव जी को चंदन मौली अक्षत धतूरा आंख के पुष्प भस्म गुलाल अबीर सोलह प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित किया जाता है माँ पार्वती को साड़ी और सुहाग की सामग्री चढ़ाए जाते हैं अगले दिन सुबह आखिरी पहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने मांग में लगाया जाता है मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दे और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान में दे दे प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है अब जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में सुहागिन और कुंवारी कन्याओं के लिए हर तालिका तीज मंगलकारी माना जाता है इस दिन विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए करती है वही कुंवारी कन्याएं मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती है ये पर्व काफ़ी खास होती है क्योंकि ये मायके नहीं बल्कि ससुराल में लेकर किया जाता है इस दिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को सिंजारा यानी वस्त्र ज्वेलरी मिठाई से लेकर अन्य उपहार देते हैं इसके साथ ही सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाने के साथ सोलह श्रृंगार करती है आप चाहे तो हर तालिका तीज के दिन यह उपाय कर सकती हो हरतालिका तीज के दिन संध्या काल में एक ग्यारह घी के दीपक जलाकर शिव पार्वती जी की आरती करें इस उपाय को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है लव मैरिज की चाह रखने वालों को का तीज के दिन एक लाल चुनरी में सिक्का सुपारी एक लाल फूल बांधकर माता पार्वती के चरणों में रखें और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें मित्रों यह जानकारी आपको कैसा लगा अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्यवाद